हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त हेमंत और स्वागत है आपका हमारे चैनल हेमंत टेक ब्लॉग्स में। दोस्तों जैसा कि मैंने क्रॉम्पटन के हमारे गीजर्स होते हैं, बहुत सी कंपनियां होती है, मोस्टली मैं क्रॉम्पटन में ज्यादा मैं एज अ टेक्नीशियन मैं उसके ऊपर ही बनाता हूँ वीडियो। तो एक कमेंट आया था जो दोस्तों जैसे मेरे को पूछा था इंस्टेंट गीजर में किस टाइप का एलिमेंट होता है। दोस्तों पहले की टेक्नोलॉजी अभी भी आ रहे हैं वो एलिमेंट्स, और अभी दो जो दूसरे टाइप का आ रहा है एलिमेंट इंस्टेंट वाला, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो पुराना था वो थोड़ा दोस्तों पुराना है, मतलब पुराना जो एलिमेंट आता था वो हमारे पास वो डिफेक्टिव पड़ा है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो आता था, फिर उसमें का ही थोड़ा अब आता अभी वो भी है 3 किलोवाट में, यानी कि 3000 वॉट्स में। लॉन्ग साइज में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। लॉन्ग में होता है जो मॉडल्स अलग होते हैं, जैसे सोलरियम वोग हो गया, और अपना रैपिड जेट में आता है आपका छोटा, रैपिड जेट प्लस में लॉन्ग वाला आता है। तो इस टाइप से तो हम दोस्तों ये देखेंगे कि कौन सा वाला बेटर है, और दोस्तों मैं आपको इसमें रेट भी बताऊंगा उसके, और जो हमारा सर्विस सेंटर है वहां जहां से ये आपको चीजें मिल पाएंगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो हम इसकी डिटेल आपको दिखाएंगे, और ये खराब क्यों होते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में, दिख जाएगा। मोस्टली सबको पता है कि एलिमेंट ज्यादातर खराब कब होते हैं, जब हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर जहां होगा दोस्तों 2 या 3 साल में मैंने देखा है, आज के टाइम के जो गीजर है, आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले जो गीजर खरीदे किसी भी ब्रांड के हो, अब दोस्तों ये नहीं है। अब साउथ दिल्ली के अंदर बहुत सी जगह है, बहुत सी सिटीज है जहां पे हार्ड वाटर ज्यादा रहता है। तो दिल्ली के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे हार्ड वाटर रहता है, वहां दोस्तों एलिमेंट खराब कब होता है, जब नमक उसमें जमता है। जैसा आपने देखा होगा पानी गर्म करने वाली रॉड आती है, रॉड को भी आप अगर आप उसमें लगाते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें भी दोस्तों रॉड में भी कई बार नहीं, आप रॉड ला रहे हो कॉपर की होती है, ठीक है, कुछ टाइम बाद महीने भर के बाद या 15 दिन के बाद, मोस्टली तो हमने 15 दिन में देखा है, रॉड भी जो है ना वो दोस्तों वाइट वाइट हो जाता है। क्यों? रीजन हार्ड वाटर। अगर हार्ड वाटर है तो दोस्तों ये होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं इसकी। तो अब हम देखते हैं डिफेक्टिव एलिमेंट और जो नया एलिमेंट है उसको, दोनों के रेट वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। एड्रेस भी मैं सर्विस सेंटर का डाल दूंगा, वहां पर भी चेक कर सकते हैं। साउथ दिल्ली नॉर्थ दिल्ली दोनों जगह ये प्रोवाइड कराते हैं सर्विस। चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे एलिमेंट्स की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक नए एलिमेंट मैंने आपको हर वीडियो में अपनी दिखा रखे हैं। 2 एलिमेंट मैंने लास्ट ईयर बनाई थी वीडियो, तो उसका भी काफी अच्छा रिस्पांस आया। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये अपना रैपिड जेट मॉडल होता है जो 3000 वाट, 3 किलोवाट का होता है, 3000 वाट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये डिफेक्टिव है, ठीक है, ये मतलब निकला हुआ है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, काफी टाइम ये, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये इसमें आप देख सकते हो मेंशन हो रखा है, ये मॉडल नंबर है होता है इसका दोस्तों, ठीक है। दूसरा ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन है, क्रॉम्पटन का है। यहाँ पे आपको इसकी क्रॉम्पटन की मार्किंग देखने को मिल जाती है, ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा नमक वगैरह जहाँ पे होता है तो वहाँ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, और अभी ये डिफेक्टिव है। मैं इसका आपको नया भी दिखाऊंगा कैसा होता है, ठीक है। अब ये इंस्टेंट गीजर होता है जो हमारा 3000 वॉट का होता है, तो उसमें ये हमारा क्या होता है, ऐसे जैसे हम किचन वगैरह में लगाते हैं तो उसमें ये यूजेबल होता है, उस मॉडल का रैपिड जेट हो गया आपका, और भी कई सारे मॉडल हैं, रैपिड जेट प्लस होता है, सोलरियम वोग होता है, ग्रेस होता है, तो उसमें दोस्तों इस टाइप का आपको एलिमेंट मिलेगा, ये रैपिड जेट का है। मैं आपको इसका दूसरा वाला भी दिखाता हूँ जो एकदम, प्राइस भी बताऊंगा मैं उसकी आपको। तो दोस्तों ये अभी हमारे पास इसका स्टॉक में अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बाकी की तरह सर्विस सेंटर का एड्रेस जो साउथ दिल्ली में हमारा आता है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है। अब कमेंट करके आप पूछते हो कहाँ मिलेगा, तो मैं हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जो सा हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाती है। अब जैसा कि ये तो मैंने दिखाया आपको डिफेक्टिव, इसका हमारे पास अभी गुड वाला नहीं है, तो मैं इसको रख देता हूँ साइड में। जैसे कि आप देख सकते हो काफी सारा स्टॉक है, ये हमारा ये डिफेक्टिव है, ये सब जाना है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, ये हमारे पास है एकदम फ्रेश, ये आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाया था क्रॉम्पटन की मार्किंग है, बाहर स्टिकर भी लगी है, ये आप देख सकते हो, ये मॉडल भी लिखा हुआ है इसमें। ये इसकी पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, ये 1328 रुपये पर यूनिट, एक आपको पड़ता है ये 1328 रुपये का, ठीक है। और ये मॉडल है आपका सोलरियम ओरा, जो का एक मॉडल आता था जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, जिस किसी ने नहीं देखी और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। तो इसकी ये प्राइस हो गई। अगर आप सर्विस सेंटर से चाहो तो यहाँ से भी आके कलेक्ट कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर घर पे अगर टेक्नीशियन आता है तो उसमें उसका सर्विस चार्ज जुड़ जाता है। बाकी यहाँ से भी आप सर्विस सेंटर से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। ऑल पार्ट्स ऑफ क्रॉम्पटन एंकर बाय पैनासोनिक, ये आपको यहाँ पे सारी इसकी एसेसरीज मिल जाएंगी। मैंने सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लेना, लोकेशन भी मैं डाल दूंगा इसमें। और इसमें सारा क्रॉम्पटन के ऑल टोटली, जैसे कि अब ये एलिमेंट हो गया एकदम फ्रेश है हमारा, ऐसे ही हमारे पास जैसे ये हमारे एक कूलर में भी लग जाती है मोटर, और ये एग्जॉस्ट में भी काम आ जाती है। जैसे ये अब आप देख रहे हो नजर आ रही होगी आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये हमारा ब्रांड हो गया क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मुंबई इंडिया, और ये दोस्तों इसका मॉडल नेम है ट्रांस एयर 12 वोल्ट 220 240। और दूसरा इसमें जो स्वीप यानी कि जो इसकी जो चौड़ाई है, ये आपको 300 mm मिल जाती है, 1400 का इसमें RPM मिल जाता है, 70 वाट ये इनपुट जनरेट करता है सिंगल फेज पे। तो इसकी प्राइस वगैरह भी मैं आपको बताता हूँ। ये 1400 RPM जैसे रनिंग करती है, ये अपना कुछ मान के चले आप 1200 से 1500 की रेंज रहती है, क्योंकि इसमें मॉडल बदलते रहते हैं, बैरिंग होता है तो अलग होता है, बुश होता है तो अलग होता है। तो फिलहाल हम इसको रखते हैं साइड में, इसकी हम बात कर रहे थे। तो ये दोस्तों ये भी हमारा जो है 3000 वॉट का है। अब जैसे पहले जो दिखाया था मैंने आपको वो रैपिड जेट का था, ये सोलेरियम ओरा का है, इसमें भी आपको 2000 वॉट में मिलता है, आपको 3000 वॉट में भी आता है। जो इंस्टेंट होंगे वो 3000 वॉट में होंगे, और जो स्टोरेज होंगे वो 2000 वॉट में होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी लाइक करना, और जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सोल्यूशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी आपसे अगली वीडियो में।